हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको दिल्ली पुलिस 2023 के लिए स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ। और स्टैटिक जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य का पार्ट टू, यानी कि एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 7 राज्यों को कवर किया है। दोस्तों, अंत में आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आप दिल्ली पुलिस 2023 में भारतीय लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, पिछली वीडियो भी जाकर देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और दोस्तों, जिन भाइयों को इसकी पीडीएफ चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, आज का जो हमारा अगला राज्य है वो है असम। देखिए, असम के कौन कौन से लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है आपका बिछुआ, बीहू, खेल गोपाल, अंकिया नाट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कली गोपाल, बथुकम्मा, बगरुम्बा और कोनाई। देखिए, इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बथुकम्मा का, बगरुम्बा का, कली गोपाल, खेल गोपाल और आपका बीहू। ये जो हमारे लोक नृत्य हैं असम से संबंधित हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जितने भी मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं ये तो आपको हमेशा याद ही रखने हैं, साथ में जो बचे हुए एक दो हैं वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखिए, आगे जो हमारा राज्य है वो है झारखंड। देखिए, झारखंड का है सरहुल, ठीक है, इंपोर्टेंट, झूमर है, सहरकावले छऊ है, अलकप है, पाइका, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पाइका याद रखेंगे, एक है भादुरिया, झीट का, फगुआ, जीत का और संथाल। ये जो इंपोर्टेंट आपका लोक नृत्य है ये किसके हैं, ये झारखंड के हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका पाइका, ठीक है, उसके बाद है आपका सरहुल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सरहुल। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक के कौन कौन से इंपोर्टेंट लोक नृत्य है, यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीरगासे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वीरगासे, सुग्गी, सुग्गी भी इंपोर्टेंट है और आपका बोकाल आर्ट, आपका पडियनी, नागमंडला और बैलाटा, बैलाटा भी बहुत महत्वपूर्ण आप मार्क करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे जो हमारा राज्य है वो है केरल। दोस्तों, जितने भी मैं आपको लोक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ इनको तो आपको फिंगर टिप्स याद रखना है। देखिए, केरल की अगर मैं बात करूं, केरल का जो पहला लोक नृत्य इंपोर्टेंट है वो है दप्पू काली, आगे थिरुवाथिर कली, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आगे थेयम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, थप्पू कली, आपका कन्याट्टम कोल की, मार्गम कली, वेला काली, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, एक दो तीन, इसके आपको तीन ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो याद रखने हैं, किसके, केरल राज्य के लोक नृत्य है। चलिए आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जवारा हो गया, मटकी हो गया, फूल पार्टी नृत्य हो गया, अंडा हो गया, खड़ा सेला भडोनी हो गया, बरम हो गया, अहिरी नृत्य, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और एक आपका ग्रीडा, ठीक है, इनमें से दो तो ये इंपोर्टेंट है, एक है आपका सेला भडोनी, ठीक है, सेला भडोनी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और आपका मटकी, ठीक है, एक आपका जवारा। ये जो आपके पांच लोक नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, देखिए, मध्य, मध्य यानी कि बीच में, और मटकी किस में रखते हैं, बीच में, ठीक है, और मटकी में क्या रखना है, जवार रखना है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपोर्टेंट राज्य है वो है हमारा लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप के आपको दो तीन ही याद रखने हैं, एक है आपका कोलकली, दूसरा लावा, तीसरा परिचकली, इसके तीन ही इंपोर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं लक्षद्वीप से संबंधित। आगे देखिए, आगे है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र का जो इंपोर्टेंट लोक नृत्य है वो है लावणी, कोली, तमाशा, नखटा, डिंडी, डिंडी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोहदा, गोरीचा ललिता, लेजिम पोवाड़ा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, SSC का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेजिम पोवाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, यह है आपका महाराष्ट्र का, याद रखेंगे, कोली भी आप इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट राज्य है वो है मणिपुर। देखिए, मणिपुर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, देखिए इसका कौन कौन सा इंपोर्टेंट लोक नृत्य है, लाई हरोबा, लाई हरोबा किसका लोक नृत्य है, मणिपुर का, ठीक है, पोंग चोलोम बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, उसके बाद खंबा दाबी, थांग टम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
आपका डोल चोलम, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है आपका लुईवत फेजाब, ठीक है। एक है आपका खाबा थाईपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके पांचों, किसके? मणिपुर के लोक नृत्य हो जाते हैं। आगे देखिए मेघालय, मेघालय के कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो देखिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वंगाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वंगाला, लाहो, राभा, नोंगक्रेंग। नोंगक्रेंग बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नोंगक्रेंग लोक नृत्य किसका है? मेघालय का है। आगे बेहदी नकलम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। एक आपका सादसुक, इसके तो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके? मेघालय के। मेघालय के सभी लोक नृत्य जितने मैंने लिखवाए हैं, पांच सात, आपको फिंगर टिप्स याद करने हैं। आगे देखिए मिजोरम, मिजोरम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? एक है आपका चेराव, ठीक है। आपका खानटम, इसमें खानटम बहुत इंपोर्टेंट है। चेरोकान, चेरोकान इम्पोर्टेंट है। माच, एक आपका खुल्लम, खुल्लम भी इम्पोर्टेंट है। चेलम हो गया। तेलगम नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आपका खुआलम नृत्य, एक आपका याकचम। याकचम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बात भी इम्पोर्टेंट है। ये है आपका मिजोरम। आगे देखिए, आगे है नागालैंड। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट राज्य है नागालैंड, नागालैंड यानी कि नाग। नाग कैसे चलता है? नाग चलता है रेंग कर, यानी कि रेगमा। उसके बाद वो क्या करता है? खाता है, यानी खेवा। और नाग को किस में पकड़ना है तुम्हें? नाग को तुम्हें बांस में पकड़ना है, ठीक है। अगला है नूरालीम, चांगलो, मयूरनाच, खंबालीम और आलियट्टू। इसके जो इम्पोर्टेंट है, एक रेंगमा, खेवा, बांस, ये इसके तीन इम्पोर्टेंट है। तीनों मैंने आपको याद करा दिए। कैसे? आपका नाग, नाग कैसे चलता है? रेंग कर चलता है। और नाग क्या करता है? खाता है, यानी कि खेवा, ठीक है। और नाग को किस में पकड़ना है आपको? बांस में पकड़ना है। वैसे बांस में नहीं पकड़ना है, अगर आपको मिल जाए, मैं आपको याद करा रहा हूँ बस, ठीक है। कभी आप नाग को पकड़ने लगो बांस से तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो आपको क्या कर लेगा? खा लेगा, टंक मारेगा एकदम आपको, ठीक है। आगे देखिए ओडिशा, ओडिशा का जो लोक नृत्य है वो है गोतीपुआ, ठीक है। रणपा हो गया, थाप हो गया, दाल खाई इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, डंडारी भी इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, दस कथिया भी इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, धाप नृत्य, एक आपका घुमुरा, ठीक है। ये जो हमारे इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो किसके हैं? ओडिशा से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं अपने यूपी की। देखिए जो हमारा यूपी है, यूपी के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? रासलीला इम्पोर्टेंट नोट करेंगे, नौटंकी नोट करेंगे, कजरी, चाचरी, नटवरी, पाईडंडा, जैता और चापेली। ये जो हमारे सभी इम्पोर्टेंट नृत्य हैं ये किसके हैं? ये हमारे यूपी के हैं। यूपी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा राज्य उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, इसके ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है वो आपको दो चार याद रखने हैं। पहला है भोटिया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला है। ये किसका है? ये है हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड। चलिए आगे है हमारा कुमायू, एक आपका भगनोल, एक आपका गढ़वाली। ये जो हमारे चारों लोक नृत्य हैं ये किसके हैं? ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं लोक नृत्य? देखिए एक है आपका जात्रा, जात्रा बाउल इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, संथाल इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, आपका गंभीरा, गंभीरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक आपका मरसिया। ये मरसिया ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखे जाएगा मरसिया, ये टाइपिंग एरर है, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए मरसिया, मरसिया किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है। आगे है थाली, सॉरी थाली नहीं है, धाली। धाली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक दो बार आपको वीडियो देख लेनी है, आपको बाकी मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है। पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले क्या करते हैं? धमाल मचाते हैं, यानी कि धमाली, ठीक है। और कैसे धमाल मचाते हैं? कूद डांडी नाच, कैसे? डंडी के द्वारा कूद कूद के, ठीक है। और किस पे कूदते हैं? रऊफ, रऊफ। वैसे रूफ का मतलब क्या होता है? रूफ का मतलब होता है छत, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर वाले हैं वो क्या मचाते हैं? धमाल मचाते हैं, आपका डंडी, डंडी के ऊपर कूद कूद के, कहां पर? छत पर, ठीक है, रऊफ। आगे देखिए, आगे है पंजाब। पंजाब के तो आपको पता ही होगा, एक आपका भांगड़ा, भांगड़ा कौन करते हैं? पंजाबी लोग। गिद्दा कौन करते हैं? पंजाबी लोग। एक आपको याद रखना है डफ, ठीक है। ये तीन इंपोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं ये किसके हैं? ये आपका पंजाब के हैं। आगे देखिए
दमन और दीव, देखिए दमन और दीव के जो इंपोर्टेंट है, एक है आपका मांडो, इसमें से आपको एक ही याद रखना है मांडो, बस मांडो इंपोर्टेंट है। वैसे आप देख के जाइए वीरा और वर्दीगांव, वर्दीगांव भी हमारा किसका है, ये भी हमारा दमन और दीव का इंपोर्टेंट लोक नृत्य हो जाता है। आगे देखिए, आगे जो इंपोर्टेंट है वह है पुडुचेरी, यानी कि पुडुचेरी का बस एक ही इंपोर्टेंट है गराड़ी, एकमात्र लोक नृत्य किसका है, पुडुचेरी का, याद रखेंगे। गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, पुडुचेरी का है। आगे देखिए राजस्थान, राजस्थान यानी कि राजा का स्थान, ठीक है, राजा के स्थान पर जाके उसने क्या कर लिया, अपना काल बुला लिया, यानी कि काल बे लिया, ठीक है। उसके बाद तेहरा ताली, ठीक है, उसके बाद पनिहारी, घूमर और आपका भवाई, ये जो हमारे इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं, ये किसके हैं, ये हमारे राजस्थान के हैं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पांचों के पांचों, ठीक है, पांचों के पांचों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप इनको याद रखेंगे। कौन कौन से हैं देखिए, कालबेलिया, तेहरा ताली, पनिहारी, घूमर और आपका भवाई, ये जो हमारे लोक नृत्य हैं, ये किसके हैं, ये हमारे राजस्थान राज्य के हो जाते हैं। आगे देखिए सिक्किम, सिक्किम के कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो देखिए, याककू, सिकमारी, याक पलाम, ठीक है, ये किसके हैं, ये आपके सिक्किम के लोक नृत्य हैं। आगे देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु को आपको एक याद रखना है, अट्टम, ठीक है, जिस नृत्य के बाद में आपका अट्टम आएगा वो किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, जैसे कुम्मी, ठीक है, कुम्मी के बाद हो गया कोल अट्टम, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, कोल के बाद ओयल अट्टम, ओयल अट्टम के बाद है सिलबट्टम, ठीक है, देखिए आ रहा है ना अट्टम अट्टम, जिसमें अट्टम अट्टम आएगा वो किस में होगा, वो होगा हमारा तमिलनाडु से संबंधित। आगे देखिए, आगे है हमारा तेलंगाना, देखिए तेलंगाना जो राज्य है उसके कौन कौन से लोक नृत्य हैं, एक आपका पेरिनी है, गुसादी है, लंबाड़ी है और बोनालू इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा आज का अंतिम राज्य है वो है त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा के कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे, होजागिरी है, गोरिया है, लेबांग है और बोमानी है, ये जो हमारे इंपोर्टेंट लोक नृत्य थे ये किसके थे, ये त्रिपुरा के थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको याद भी हुआ होगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा, आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते